कुरुक्षेत्र में एक आयल से सेंटर संचालक पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा प्रियव्रत फौजी ही इस गोलीकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने फौजी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। दरअसल कुरुक्षेत्र के आयल से सेंटर संचालक से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और उनके ऊपर फायरिंग इसी मामले में की गई थी। के तुरंत बाद मैं इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना चाहूँ। उसके तुरंत बाद इसके पास एक रैंसम कॉल आई थी और उसमें अंकुश कुमालपुर और प्रियव्रत का नाम लिया गया था। उसमें प्रियव्रत को हमने आज जो है कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट पे लेकर आज हमने उसका 6 दिन का रिमांड लिया और उससे हम अभी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की और इसमें कौन कौन संलिप्त हैं और किसके द्वारा वो भेजे गए थे पूरी गहराई से हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रियव्रत हमारे पास अभी 6 दिन के पुलिस रिमांड पे हैं। कितने दिन की, किसने कुछ बताया अभी जैसे अप्लाई की हम कॉल इसने की थी या किसी साथी के द्वारा या इसका नाम बदनाम किया कुछ सही? उसके बारे में अभी इससे पूछताछ कर ही रहे हैं हम। जो कॉल है वो कॉल बाहर के इंटरनेशनल नंबर से आई थी। जो इंटरनेशनल नंबर्स हैं उनको भी हम अच्छी तरह से अभी खंगाल रहे हैं, लेकिन ये अभी कन्फर्म है कि कॉल बाहर से आई थी, अमेरिका से कॉल आई थी।